न्यायालय का फैसला 11 साल बाद आया जी, आज किन शब्दों में आप ध्यान करते? देखो, झूठ न्यायालय के उस मंदिर में झूठ टाइम ले सकती है पर जीत नहीं सकती, और वही हुआ। वक्त कितना भी लगा, सत्य की जीत हुई और सच्चाई सबके सामने आई कि किस तरह क्या हुआ था, ये सब क्लियर हो गया। और मुझे पूरा पूरा विश्वास था न्यायालय पे, और माननीय अदालत ने वही हुआ, जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ गई। सिरसा पहुंचे समर्थकों में खासा उत्साह और कई जगह आतिशबाजी और मिठाइयां। समर्थकों का, मेरे भाइयों का, मेरे परिवार के लोगों का, मेरे साथियों का, हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी जितने भी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब उनके उनके जो प्रयत्न हैं, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी इस लगन जो भगवान के प्रति जो उन्होंने एक उनसे अरदास की, हर व्यक्ति ने अलग अलग, किसी ने मंदिर में, किसी ने गुरुद्वारों में जो कामना की वो पूर्ण हुई। तो मैं सभी मेरे साथियों को, परिवार को, सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी तपस्या सफल हुई, पूर्ण हुई। आपने लगातार संघर्ष किया और इस मामले के दौरान ही हरियाणा लोकहित पार्टी का भी आपने स्थापना की, आगे किस प्रकार से योजना रही कि मामला भी हम काम हमारे लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ मिल जाता था, पर हमने कभी भी लोगों के काम जो हम कर सकते हैं वो नहीं रोके, जो सेवा हम कर सकते हैं वो लगातार जारी रही, चाहे वो कोविड का वक्त आया, चाहे वो आज परेशानी में हैं, या बाढ़ के वक्त, या कभी भी सिरसा की जनता को कभी किसी चीज़ की गांव में कहीं भी कोई ज़रूरत हुई तो वहाँ हमने काम नहीं रोका, कभी भी इस कोर्ट कचहरी के इन मुकदमों की वजह से काम नहीं रोका, अपनी सेवा अपनी लगातार जारी रही। क्या माना जाए कि हरियाणा लोकहित पार्टी का आगे किस प्रकार से अब विस्तार होने जा रहा है? देखो, बिल्कुल विस्तार होगा, जल्दी एक मीटिंग करके, एक बैठक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ हरियाणा लोकहित पार्टी दस्तक देगी और क्या करेगी, क्या इसकी प्लानिंग पूरी बना के जल्दी आपके सामने एक पार्टी का नया रूप आएगा। पार्टी एनडीए का भी हिस्सा बन गई है, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखो, पार्टी है, पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी का मतलब है लोकहित के काम, देश की सेवा के लिए ये पार्टी है, और एनडीए का समर्थन इसीलिए है कि देश हित के लिए देश तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, उन्नति की ओर जाए। और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम है और हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, और देशों को मैं बाहर जाता हूँ, मैंने देखा है सारा, कि आज भारत एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है पूरी दुनिया में, इसीलिए आज एनडीए को हमने अपना समर्थन दिया है और बहुत भारी जीत होगी। विरोधियों ने लगातार कहा कि सिरसा में विकास प्रभावित हो रहा है, क्या कहेंगे? सिरसा में बहुत विकास हुआ है, बहुत हो रहा है, बहुत काम पाइपलाइन में हैं जो जल्दी पूरे होने वाले हैं। अभी भी मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से, जल्द अब मैं, क्योंकि अपने इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में 2-3 महीने मुझे लगातार अब लगे तो कुछ काम नहीं हो पाए, पर अब बहुत तेज़ी से सिरसा के काम हों। कोर्ट से अब बरी होने के बाद किस प्रकार से नया उत्साह है, नया संचार हुआ है समर्थकों में भी, कितनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे? हम मेरे में नया उत्साह, नया संचार पहले से ही था, क्योंकि मैं सच्चाई जानता था, आम जन को बात नहीं पता थी, आम जन को सच्चाई नहीं मालूम थी, जो पता चली है बस इसी बात की खुशी है कि विरोधी जो क्या क्या बातें, क्या क्या ये केस है, वो केस है, गांव में लोगों को बरगलाने का काम करते थे कि आपके गोपाल गांडा पे तो ये केस है, आपके तो भाई पे ये केस है, आपके तो साथी पे ये केस है, तो वो उनको कोई बात नहीं है अब कहने के लिए। अब इस न्यायालय के इस फैसले से ये ज़रूर सामने आई है बात की, अब उनके पास कोई बात नहीं रही कहने के लिए, जो झूठी बातें, जो अपने मनगढ़ंत बातें बना बना के केस के बारे में जो लोगों से करते थे, वो उनकी भी बात सामने आ गई कि ये लोग किस तरह के हैं, इनकी सोच कैसी है, कि बिना कुछ पता, बिना कुछ बात हुए और आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या बोलते थे। तो उन लोगों के बारे में भी अब जनता उनसे बात करेगी, जब जाएंगे वो लोग गाँव में और शहर में, तो उनसे हिसाब मांगेगी कि एक व्यक्ति के ऊपर आप जो इल्ज़ाम लगाते थे, जो बातें करते थे, वो आप बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट का फैसला आए, एक आरोप के ऊपर आपने क्या क्या बातें कही, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।